Hello everyone, how are you? I hope you all are doing good. So in last class we read till muscular system. Today we will start with digestive system. Okay, so let's start. The digestive system consists of many organs like mouth, food pipe, stomach, small intestine and large intestine. So हमारा जो digestive system होता है जिसमें हमारे फूड का डाइजेशन होता है उसमें काफ़ी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं लाइक माउथ जिससे आप फूड खाते हो लेते हो अपनी बॉडी के अंदर, फूड पाइप जिसमें फूड ट्रेवल करता है, स्टमक जिसमें फूड आके डाइजेशन शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें डाइजेशन ख़त्म होता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. देखिए Every human being eats food that travels through all the organs of this system. हम लोग food लेते हैं, we eat food with our mouth और वो food mouth से होते हुए food pipe में आता है, then stomach में आता है, then small intestine में and large intestine में. फिर large intestine से होता हुआ वो हमारी body के बाहर आ जाता है. तो food जो है वो हर organ से pass होता हुआ आता है. First of all, the food is chewed and mixed with the saliva produced in the mouth. सबसे पहले जब आप food अपने mouth में लेते हो आप उसको chew करते हो and there is a liquid present in your mouth. आपके mouth में एक liquid present होता है जिसको आप क्या बोलते हो, saliva. क्या बोलते हैं हम उसे, saliva. Food क्या होता है, उसके साथ mix हो जाता है. हमारा जो food हमने chew किया वो हमारे saliva के साथ मिक्स हो जाता है. देन द च्यूड फूड पासिस टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप. फिर जो हमने फूड को च्यू किया वो क्या होता है, फूड पाइप से स्टमक के अंदर पास हो जाता है. दिस इज योर स्टमक, दिस इज नॉट योर स्टमक, दिस इज योर लिवर. ओके, सो यहाँ से फूड आया, फूड पाइप से होता हुआ कहाँ आता है, आपके स्टमक के अंदर. द स्टमक इज अ होलो मस्कुलर बैग. मतलब हमारा जो स्टमक है वो किससे बना हुआ है, मसल से बना हुआ है और वो होलो है. होलो मतलब अंदर से खाली है, उसमें सिर्फ मसल्स प्रेजेंट है. मसल से हमारा स्टमक बना है, उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. तभी तो हमारा फूड उसके अंदर आ सकता है क्योंकि उसके अंदर बहुत स्पेस है. इट एक्सपेंड्स व्हेन द फूड एंटर्स इट एंड इट चेंजेस द फूड इनटू अ काइंड ऑफ सूप बाय मिक्सिंग अ गैस्ट्रिक जूस अ डाइजेस्टिव जूस रिलीज्ड बाय स्टमक. अब क्या होता है, जब भी हमारा फूड हमारे स्टमक के अंदर आता है हमारा स्टमक एक्सपेंड करता है, मतलब फैल जाता है. और उसके अंदर क्या होता है, जो फूड है वो इतनी बार घूमता है, जैसे आप मिक्सी में, मिक्सर होता है आप लोगों के घर में, आप उसमें कोई भी चीज़ डालिए तो वो ग्राइंड हो जाती है, वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है. ऐसे हमारे स्टमक के अंदर जब फूड आता है तो वो भी बहुत छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट हो जाता है, इतने छोटे पीसीस में कि वो एक लिक्विड बन जाता है. जैसे आप सूप पीते हो, यू ऑल ड्रिंक सूप ना, वो एक सूप जैसा बन जाता है हमारे स्टमक में आने के बाद. किसकी हेल्प से, गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से. अ डाइजेस्टिव जूस रिलीज बाय स्टमक. अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, वो एक ऐसा जूस होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. जब हमारा फूड इस गैस्ट्रिक जूस के साथ आके मिक्स होता है तो हमारा फूड जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है कि वो एक सूप बन जाता है. नाउ द फूड विच इज चेंज्ड इनटू अ काइंड ऑफ सूप एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर सम मोर डाइजेस्टिव जूसेस गेट मिक्स्ड विद इट. अब हमारा फूड स्टमक से कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्टमक से कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में. हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ जूसेस प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड को और ब्रेक करते हैं. क्या करते हैं, हमारे फूड को और ब्रेक कर देते हैं. इट फर्दर डिजॉल्व्स द फूड, डाइजेशन इज कंप्लीटेड. ये हमारे फूड को और डिजॉल्व कर देते हैं, मतलब बिल्कुल ही लिक्विड जैसा बना देते हैं. यहाँ पे हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है एंड द फूड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड इन
स्मॉल इंटेस्टाइन, और हमारा जो फूड है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। हमारा फूड जो सूप जैसा बन गया था वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द यूजफुल बिट्स न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ब्लड क्या करता है, हमारे फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, वो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में उसको पहुंचा देता है। ब्लड हमारे फूड के साथ मिक्स होके उसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो तो हमारे बॉडी पार्ट्स में चला गया, पर कुछ फूड ऐसा होता है जो अनडाइजेस्टेड होता है, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, जिसका ब्रेकडाउन नहीं होता, वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ मूव करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से मूव करते हुए वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। सी फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब एंड द वेस्ट प्रोडक्ट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एनस। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में आया, लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, उस फूड में से जो वाटर था, हमारी बॉडी के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट होता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, अपने पास रख लिया, और जो वेस्ट बचा, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, जिसकी जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया। किसके थ्रू, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, जिसको क्या बोलते हैं, एनस। क्या बोलते हैं, एनस। एनस के थ्रू वो फूड हमारी बॉडी से बाहर आ गया। ओके, हमारा डाइजेशन प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होता है एंड फिनिश कहाँ पे होता है, एनस पे। सो होता क्या है, हम फूड लेते हैं थ्रू माउथ, वो फूड पाइप में जाता है, देन स्टमक, देन रीचेज स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इट रीचेज योर लार्ज इंटेस्टाइन, देन रिमूव्ड आउट ऑफ योर बॉडी थ्रू एनस। ओके, नाउ कम्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब जिसमें हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। आप लोग सब ब्रीथ इन करते हो, सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, ब्रीथ इन करते हो, ब्रीथ आउट करते हो, वो किस में आता है, रेस्पिरेशन में। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स द ऑर्गन्स लाइक नोज, विंडपाइप एंड लंग्स। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, हमारी नोज जहाँ से आप ब्रीथ इन करते हो, विंड पाइप जैसे हमारा फूड ट्रेवल करता है फूड पाइप से, ऐसे हमारी विंड ट्रेवल करती है विंड पाइप से, एयर किससे ट्रेवल करती है, विंड पाइप से, एंड टू लंग्स। ओके, द ह्यूमन बॉडी ड्रॉज एयर थ्रू द नोज। हम लोग नोज से एयर लेते हैं, आप लोग सब ब्रीथ इन करते हो ना, नोज से करते हो। द एयर गोज इनटू द टू लंग्स लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट ऑन आइदर साइड थ्रू द विंड पाइप। देखिए, आपने नोज से एयर ली, वो आपके विंड पाइप के थ्रू अंदर आई, और आपके दो लंग्स प्रेजेंट है आपकी चेस्ट में, इन लंग्स में आपकी एयर चली जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्हेलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्हेलेशन, एयर को अंदर लेना, फिर वो विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में आ जाती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्हेलेशन। द लंग्स प्यूरिफाई ब्लड विद द हेल्प ऑफ एयर। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए, अब क्या होता है, जो हमारा लंग्स है वो क्या करते हैं, हमारे लंग्स में जो ब्लड प्रेजेंट है उसको प्योरीफाई करते हैं, मतलब उसको फिल्टर कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर। जो हमने एयर ली उससे वो हमारे ब्लड को साफ कर देते हैं। फिर ब्लड क्या करती है, वो ब्लड में, देखिए ब्लड में ऑक्सीजन चली जाती है, फिल्टर करने का मतलब क्या होता है कि ब्लड को ऑक्सीजन दे दी और कार्बन डाइऑक्साइड उससे ले ली। दो गैसेस होती हैं, आप ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हो, है ना। तो ब्लड लंग्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन दे देते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ओके,
सो अब ये ब्लड क्या करता है, लंग से ऑक्सीजन लेके हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को पहुंचा देता है. ओके, द ऑक्सीजन कंबाइंस विद द डाइजेस्टेड फूड एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी. अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन क्या करती है, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, हमने पिछले अभी टॉपिक में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि जो ब्लड है वो फूड को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में लेके जाता है. अब हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फूड प्रेजेंट है और ब्लड अब ऑक्सीजन भी ले आया, तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, हमारे फूड को ब्रेक करती है, हमारे फूड को तोड़ देती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. समझ में आया? इसलिए बोलते हैं ना, फूड ईट करने से हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि जब ये फूड ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो ये टूट जाता है, और टूट के हमें क्या देता है, एनर्जी देता है. समझ आया आप लोगों को? कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज एन इम्प्योरिटी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ब्रीथ्ड आउट थ्रू द नोज. और जब हमें एनर्जी मिलती है तो साथ में एक गैस भी बनती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड. और फिर जब आप ब्रीथ आउट करते हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एक्सहेलेशन. जब हमने अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट किया तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन. द नोज हैज हेयर इनसाइड इट दैट प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स. अब जो हमारी नोज में हेयर प्रेजेंट है, आपकी नोज में हेयर प्रेजेंट है ना, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी नोज के अंदर एयर के साथ डस्ट पार्टिकल्स को जाने से रोकते हैं. वो क्या करते हैं, हमारी नोज के अंदर एयर को तो जाने देते हैं, पर डस्ट पार्टिकल्स को अपने पास रोक के रख लेते हैं. ओके, फर्स्टली एयर मूव्स इनटू द नोज. नोज में ये हेयर प्रेजेंट होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं, खाली प्योर एयर को अंदर जाने देते हैं. देन इट मूव्स टू विंड पाइप. As you can see, air is moving in and out of this pipe known as windpipe. It is moving into the lungs through windpipe. We will continue in our next class. Till then, bye and take care.